Hello students, maths class 6, exercise 4.1, question number 15. Draw a number line and answer the फॉलोइंग integer will बी रीच इफ वी मूव सिक्स numbers टू द लेफ्ट ऑफ माइनस 4 कि कौन से इंटेजर पे हम क्या करेंगे रीच करेंगे पहुंचेंगे अगर हम मूव कर रहे हैं सिक्स नंबर टू द लेफ्ट ऑफ माइनस फोर माइनस फोर के लेफ्ट में सिक्स नंबर अगर हम मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि ड्रो ए नंबर लाइन नंबर लाइन ड्रॉ करो उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व करो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीज अपू सोन और इस साइड क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजस माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस नाइन सॉरी माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन अप टू सो ऑन इधर भी, चलते जाते, हैं, इंटीजर्स, उधर भी इंटीजर्स चलते जाते हैं उधर भी और बीच में क्या आती है जीरो आती है तो ये अब स्टेटमेंट हम रीड करते हैं अगेन विच इंटीजर विल बी रीच कौन से इंटीजर पे हम पहुंचेंगे इफ यू मूव सिक्स कितना मूव करना हमने कितने स्टेप मूव करना हमने सिक्स स्टेप नंबर मूव कर रहे हैं टू द लेफ्ट ऑफ माइनस फोर माइनस फोर के लेफ्ट में हमने कितने स्टेप मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट कौन सी साइड होगी इस वाली साइड लेफ्ट कौन सी साइड होगी इस वाली साइड और राइट right कौन सी साइड होती है इधर वाली साइड राइट right होती है और इस वाली साइड क्या होती है लेफ्ट होती है आपके राइट हैंड साइड अगर मूव कर रहे हैं जिस साइड जिस साइड से आप लिखते हो राइट हैंड हंड साइड वाली मूव करना है आगे की तरफ तो हम क्या कहेंगे कि राइट right साइड है और लेफ्ट साइड कौन सी होती है अपोजिट साइड अगर हम इस साइड मूव करते हैं उल्टा तो वो क्या होती है लेफ्ट साइड और हमने आपने आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जैसे भी आप नंबर लाइन पे राइट साइड मूव करोगे तो आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और जैसे ही आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि राइट right साइड क्या होता है इधर पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं सभी और इस साइड जैसे मूव कर रहे हैं तो जीरो जीरो के बाद सभी क्या आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स तो हमने कितने स्टेप मूव करना? करना है सिक्स स्टेप मूव करना है टू द लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ माइनस फोर माइनस फोर के यानी कि सबसे पहले हमने कहां पे पहुंचना माइनस फोर पे तो माइनस फोर कहाँ पे है नंबर लाइन पे यहां पे तो इससे हमने कि, कितने स्टेप सिक्स स्टेप और सिक्स स्टेप मूव करने हैं और किस साइड जाना है लेफ्ट साइड यानी कि इस step, इस साइड जाएंगे लेफ्ट कौन सी साइड है ये ये राइट right है ये माइनस फोर के राइट right साइड है इधर वाली साइड राइट होगी और इधर वाली साइड क्या होगी माइनस फोर के लेफ्ट लेफ्ट साइड जाना है हमने कितने स्टेप सिक्स तो काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने स्टेप आए हम सिक्स तो ये क्या आया सिक्स स्टेप जब हम मूव कर रहे हैं और किस साइड मूव करा हमने लेफ्ट साइड मूव किया सिक्स स्टेप लेफ्ट साइड आए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो कितना आया आंसर माइनस टेन जब हम क्या करेंगे माइनस फोर से सिक्स स्टेप लेफ्ट साइड मूव करेंगे लेफ्ट साइड होती है यानी कि अपोजिट वाली साइड तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस टेन नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेकेंड पार्ट है फिफ्टींथ क्वेश्चन का इफ वी आर एट माइनस सेवन अगर हम कहां कहा माइनस सेवन पे हैं ऑन द नंबर लाइन नंबर लाइन पे इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच माइनस टू तो हमें माइनस टू पर पहुंचने के लिए कौन सी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा हमें ये बताना तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कहाँ पे शो करना है नंबर लाइन पे ही शो करना है यहाँ पे होती है जीरो वन टू थ्री फोर अप टू सोन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट अप टू सावन हाँ जी तो हमने क्या अगेन स्टेटमेंट रीड आउट करें इफ वी आर एट माइनस सेवन अगर हम कहां पे हैं माइनस सेवन पे ऑन द नंबर लाइन नंबर लाइन के ऊपर अगर हम कहां पे हैं माइनस सेवन पे माइनस सेवन कहाँ है यहां पे अगर हम नंबर लाइन के ऊपर कहां पे हैं हमारी पोजीशन कौन सी है हम कहां पे हैं इनिशियल पॉइंट हमारा माइनस सेवन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव हम कौन सी डायरेक्शन में पूछा क्या गया है क्वेश्चन क्या पूछा गया आप इस चीज पे ध्यान दोगे कि विच डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन विच होता है कौन सी डायरेक्शन आपकी किस साइड आप मूव करोगे डायरेक्शन कौन सी दिशा में आप मूव करोगे शुड वी मूव आप मूव करोगे टू रीच माइनस टू माइनस सेवन पे हो आपने जाना है माइनस टू पे तो माइनस टू कहाँ पे है यहाँ पे यानी कि माइनस सेवन से माइनस टू पे जाना है तो आपने कौन सी डायरेक्शन में आप मूव किए बीच डायरेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है कौन सी डायरेक्शन में आप मूव किए हम कौन सी डायरेक्शन में गए माइनस सेवन से माइनस टू जाना है तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं यानी कि हम कौन सी डायरेक्शन में गए राइट साइड किस साइड गए हम राइट साइड यानी कि इस साइड मूव करना पड़ रहा है हमें तो ये कौन सी हमारी राइट साइड है राइट right साइड है ये होती है लेफ्ट uh, साइड और ये होती है राइट right साइड आगे की तरफ जाना क्या होती है राइट right हैंड वाली साइड राइट साइड होती है तो माइनस सेवन से माइनस टू पे जाना है तो हम कौन सी इन्होंने कहा कि विच डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो हम कहेंगे कि हम राइट right डायरेक्शन में मूव करेंगे यानी कि राइट right साइड हम मूव करेंगे किस साइड मूव करेंगे कुछ आंसर हमने फाइंड आउट नहीं करना इन्होंने क्या, क्या पूछा है बस ये पूछा कि कौन से डायरेक्शन में हमने बताना नहीं है शो नहीं करना है बस हमें क्या दिखाना है डायरेक्शन दिखानी है कि कौन से डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो हम यही बताएंगे कि हम राइट साइड डायरेक्शन में मूव करेंगे माइनस टू तक पहुंचने के लिए थैंक यू